सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बात ये बात करने वाले हैं कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो के देखने बाद में आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि हेल्थ क्या होती है, मतलब कि हेल्थ के बारे में आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो हम लोग ये देखेंगे हेल्दी और डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या अंतर होता है, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई भी डिजीज़ ना हो और एक ऐसा आदमी जो हेल्दी होता है, इन दोनों लोगों में क्या अंतर होता है। तो बहुत लोगों को लगेगा यार कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर होता है, उसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने बाद आप लोग ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम लोग बात करते हैं कि हेल्दी क्या होता है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और आप लोगों को नोट करते करते चलना है वीडियो के साथ साथ में, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, जो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हेल्दी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेल्दी जो शब्द होता है इसका हम लोग कई सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे टीचर भी कहते हैं कि तुम एक हेल्दी मैनर में बात नहीं कर रहे हो। कभी कभी हमारे ग्रैंड मदर जो होती हैं उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं, वो अभी हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ मतलब होता क्या है? हेल्थ मतलब होता है कि कोई भी ह्यूमंस यदि फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से यदि अच्छा है तो उसे हम लोग हेल्दी कहेंगे। मतलब कि अ पर्सन हु इज़ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बींग इज कॉल्ड हेल्दी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकली, कैसे फिजिकली, मतलब कि उसका दिखने में अपीयरेंस ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि हेल्दी कैसे कहते हैं, अपीयरेंस उसका अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई एक आदमी है उसकी आँख जो है वो कैसी है, मान लीजिए उसकी आँख में एक चोट लगी है तो वो हेल्दी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यदि उसकी आँख में कोई इन्फेक्शन है तो उसे हेल्दी नहीं कहा जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिए एक ऐसा आदमी है जिसका एक हाथ जो है वहाँ पे कुछ मान लीजिए कैंसर वगैरह हो गए हैं, स्किन कैंसर, तो वो भी हेल्दी नहीं कहा जाएगा। तो हेल्दी पर्सन हम लोग उसे कहते हैं जो फिजिकली वेलबींग होना चाहिए, सोशली वेलबींग होना चाहिए और इसी के साथ साथ हमारे आसपास वाली चीज़ें। अब सोशली वेलबींग का मतलब समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, अब वो सोशली बहुत ही सबसे झिझक की बात करता है। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ आदमी नहीं होते बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मतलब गुस्सा तो सभी होते हैं पर बहुत आदमी होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ही झिझक वाले होते हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं ना। जैसे कि नहीं, बहुत लोग होते हैं बहुत जल्दी में झिझक हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चिढ़न हो जाती है। तो वैसे टाइप के लोग जो होते हैं वो सोशली वेलबींग नहीं होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसी वजह से बढ़ जाता है, तो वो भी सोशली वेलबींग नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वे किसी से बातें करते हैं तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सोशली वेलबींग यानी कि सोशली अच्छे नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं मेंटली वेलबींग क्या होता है। तो मेंटली वेलबींग का मतलब है कि वो दिमागी स्तर पे सही है कि नहीं। अब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब वो उसका चीज़ों को पकड़ने की कैपेसिटी कैसी है और वो कैसे बात करता है, ठीक है, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। ऐसा तो नहीं ना है कि वो कुछ पागलों जैसी बातें करता है जिसका कोई सेंस ना हो, मतलब बिना सिर पैर वाली बातें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये सब डिसाइड करती हैं कि कोई भी आदमी हेल्दी है या नहीं। तो हेल्दी होने के लिए क्या क्या कंडीशन रहती हैं कि फिजिकली, सोशली और मेंटली तीनों तरह से जो आदमी वेल बींग रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी आदमी को हम लोग कहते हैं हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी, अब समझते हैं डिजीज़ क्या होता है ताकि हमें हेल्दी और डिजीज़ फ्री मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं डिजीज़ क्या होती है। देखिए, कोई भी आदमी जब फिजिकली वेलबींग नहीं होता है तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है क्या, डिजीज़। जब उस आदमी को डिजीज़ हो जाती है तो उसी वजह से वो फिजिकली वेलबींग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई आदमी उसके हाथ में यानी हैंड में स्किन कैंसर हो गया तो क्या वो फिजिकली वेलबींग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे स्किन कैंसर हो गया है। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, वो बहुत एकदम सुस्त रहता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि एकदम सुस्त यार, एकदम लुंज फुंज रहता है, ठीक है, ढीला ढाला आदमी रहता है, तो इसका मतलब उसे ज़रूर कोई बीमारी है। फिर जब उसने डॉक्टर से जांच कराई तो उसे पता चला उसे बुखार है, मलेरिया बुखार है, तो वो भी फिजिकली वेलबींग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए,
मलेरिया बुखार तो उसे है, पर फिजिकली वेलबींग कैसे नहीं है, उसे दिखने में लगता है यार वो एकदम ढीला ढाला सा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये पहचान सकते हैं प्यारी बच्चों कि जो फिजिकली वेलबींग नहीं होते हैं उन्हें ज़रूर कहीं ना कहीं डिजीज़ होती है, मतलब अक्सर उन्हें डिजीज़ होती है, मतलब आप लोग कह सकते हैं 90% केसेस में उन्हें डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिजीज़ क्या होती है और हेल्दी क्या होते हैं। अब इनमें अंतर फाइंड करते हैं। देखिए हर एक हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री होता है, हर एक हेल्दी पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, हर एक हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री होता है, पर हर एक डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी नहीं होता है। मान लीजिए कोई एक आदमी ऐसा है जो जिसे कोई भी डिजीज़ नहीं है, जिसे कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है, फिर भी वो हेल्दी नहीं है। कैसे? मान लीजिए प्यारे बच्चों कि एक ऐसा म्यूजिशियन है, कौन है? म्यूजिशियन। अब उसे कोई भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों यार वो अच्छे से गा नहीं पाता है, ठीक है, वो म्यूजिशियन अच्छे से गा नहीं पाता, उसकी राग अच्छे से नहीं बैठती है, तो उसे हेल्दी नहीं माना जाएगा। हेल्दी किसे माना जाएगा? जब वो अपनी राग को अच्छे से बैठा सके, मतलब अच्छे से गा सके, तो वो हेल्दी माना जाएगा। अब मान लेते हैं एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर को हेल्दी हम लोग कब कहेंगे? एक क्रिकेटर है, मान लीजिए वो डिजीज़ फ्री, उससे कोई भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी तब होगा जब उसका हेल्थ एकदम अच्छा होगा, मतलब वो एक बैलेंस डाइट लेगा और इसी के साथ साथ उसकी मतलब बॉडी वॉडी मतलब अच्छी खासी रहेगी, ठीक है, और उसका जो बिल्डअप है बॉडी का वो भी अच्छा रहना चाहिए, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहना चाहिए, तब उसे हम लोग हेल्दी कहेंगे। अब मान लीजिए एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि क्या करता है, फील्ड में खेलता तो है पर यार पता नहीं कि बहुत जल्दी थक जाता है और थोड़ी देर ज़्यादा खेल देता है तो उसे चक्कर आने लगता है, तो ये सब जो कारण होते हैं ये सब ये बताते हैं वो हेल्दी नहीं है पर वो डिजीज़ फ्री है, ठीक है। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री का मतलब समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों ऐसे ही कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कुश्ती वाला है, मतलब एक कुश्ती लड़ने वाला बंदा है, तो कुश्ती लड़ने वाला बंदा कब हेल्दी होगा? जब वो अपने अपोनेंट को हरा सके, उसके साथ खेल सके। अब ऐसा हो गया मान लीजिए कि कुश्ती लड़ने वाला कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कुश्ती लड़ते वक्त उसे बहुत ही जल्दी थकान महसूस होती, या फिर कोई एक बार यदि उसे मतलब पीठ के बल मतलब कि उसे पलट देता है तो दूसरी बार उसे उठने का ताकत नहीं रह जाता है, तो ये वाली सिचुएशन में भी वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री मतलब समझ में आया? देखिए हेल्दी मतलब ये होता है कि उसे कोई डिजीज़ ना हो ना, और वो फिजिकली भी क्या हो, एकदम अच्छा खासा, यानी उसके बॉडी बिल्डअप भी सही रहना चाहिए। लेकिन हमारा डिजीज़ फ्री मतलब होता है कि उसे कोई बीमारी ना हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके अगला वीडियो फटाफट से चेक कर लीजिए, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर सभी क्लास की अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा।